दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हरीश शुगानी। आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल मैथमेटिक वर्ल्ड में। सो गाइस, आज हम सीखने वाले हैं नंबर सिस्टम एंड नंबर सिस्टम के क्या क्या टाइप्स हैं और नंबर सिस्टम की कन्वर्जन क्या है। ठीक है गाइस, ये हम तीन चीज़ें आज सीखने वाले हैं। तो गाइस, जब हम कंप्यूटर की बात आती है, जब हम कोई भी की प्रेस करते हैं कीबोर्ड पर, तो कंप्यूटर क्या करता है, सबसे पहले उस की को कन्वर्ट कर देता है नंबर में। देन खुद समझता है कि इस बंदे ने किस की को प्रेस करा है। इसने ए को प्रेस करा है, इसने बी को प्रेस करा है, या इसने जो वो एट द रेट को प्रेस करा है। ठीक है गाइस, तो जिसको भी हम प्रेस करते हैं ना, वो कंप्यूटर क्या करता है, उसको नंबर के अंदर कन्वर्ट करके देन खुद समझता है कि किस किस की को जो इसने प्रेस करा है। ठीक है गाइस, तो हमारे पास जो है चार टाइप्स हैं नंबर सिस्टम के। सबसे पहले आता है बाइनरी नंबर, ठीक है गाइस। उसके बाद आता है, तो सबसे पहले आता है डेसिमल नंबर, देन आता है बाइनरी नंबर, देन आता है ऑक्टल नंबर, देन आता है हेक्साडेसिमल नंबर। ठीक है गाइस, तो हमारे पास चार नंबर हैं। ठीक है गाइस, नंबर सिस्टम के अंदर चार इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं इसके। ठीक है गाइस, तो सबसे पहले आते हैं हम डेसिमल पे। तो गाइस, डेसिमल क्या है, डेसिमल वो नंबर्स हैं जिसका बेस क्या हो, 10 हो। मतलब ये जो ब्रेकेट्स है ना, इस ब्रेकेट्स के नीचे 10 लिखा हो तो आप समझ जाना वो क्या है, डेसिमल नंबर है। तो गाइस, मैंने यहाँ 10 क्यों लिखा है, 10 क्यों है इसका बेस, क्योंकि इसके अंदर नंबर 10 आते हैं, 0 से लेकर 9 तक। आप अगर काउंट करोगे इसको तो ये 10 नंबर ही होंगे, मतलब डेसिमल नंबर के अंदर 10 ही नंबर आ सकते हैं, इसलिए इसका बेस क्या है, 10 है। उसके बाद आते हैं बाइनरी नंबर। तो गाइस, बाइनरी का बेस कितना है, 2 है। ब्रेकेट्स के नीचे कितना लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। तो गाइस, इसका भी 2 क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि इसके अंदर 2 ही नंबर आते हैं, 0 और 1। गाइस, मैं आपको एक और बात बताता चलूँ कि कंप्यूटर जो है ना, वो बाइनरी नंबर्स को ही समझता है। कंप्यूटर जो है ना, वो 0 और 1 की फॉर्म में समझता है। जो भी हम डेटा डालते हैं उसके अंदर, वो 0 और 1 की फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, देन उसको समझता है कि क्या क्या इसने डेटा डाला है। ठीक है गाइस, तो बाइनरी नंबर का बेस कितना है, 2 है। और ऑक्टल, गाइस ऑक्टल 8, गाइस एक वर्ड से ही पता चल रहा है हमें, ऑक्टल का बेस क्या हो सकता है, 8 हो सकता है। तो गाइस, इसका 8 क्यों है, क्योंकि इसके अंदर भी 8 नंबर आते हैं, 0 से लेकर 7 तक, 0 से लेकर 7 तक नंबर आते हैं ऑक्टल के अंदर। ठीक है गाइस, तो सबसे लास्ट हमारे पास क्या है, हेक्साडेसिमल। तो गाइस, हेक्साडेसिमल वर्ड से जो है वो जाहिर है, 16। इसका बेस क्या है, 16 है, क्योंकि जो मैंने ये लिखा है ना, ब्रेकेट्स, ब्रेकेट्स के नीचे मैंने लिख दिया है 16, तो उसका इसका बेस क्या है, 16 है। तो इसका 16 बेस क्यों है, क्योंकि इसके अंदर टोटल 16 नंबर आते हैं, 0 से लेकर 15 तक। ठीक है गाइस, लेकिन इसके अंदर एक और लॉजिक है, लॉजिक ये है, 0 से लेकर 9 तक एज इट नंबर आएंगे। जब हम इसकी कन्वर्जन करेंगे ना, तब हमारे पास अगर 6 आएगा 7 आएगा 8 आएगा 9 आएगा, जो भी नंबर आएगा ना, वो तो हम एज इट लिखेंगे। लेकिन अगर 10 आ गया, 11 आ गया, 13 आ गया, 14 आ गया, 15 आ गया, इनमें से कोई भी नंबर आ गया ना, तो हम क्या करेंगे, उसका अल्फ़ाबेट लिखेंगे। मतलब जब हेक्साडेसिमल के अंदर 10 आएगा तो हम लिखेंगे ए, जब 11 आएगा तब हम लिखेंगे बी, जब 12 आएगा तब हम लिखेंगे सी, जब 13 आएगा तब हम लिखेंगे डी, जब 14 आएगा तब हम लिखेंगे ई, जब 15 आएगा तब लिखेंगे हम एफ। तो गाइस, ये इसका होता है छोटा सा लॉजिक हेक्साडेसिमल के अंदर, जब 10 से लेकर 15 तक के बीच में कोई भी नंबर आएगा तो उसका अल्फाबेट में जो भी उसकी वैल्यू आ रही होगी वो हम लिखेंगे। ठीक है गाइस, तो गाइस ये आपको याद रखना है, ये यूज होते हैं। ठीक है गाइस, तो हमारे पास टोटल कितने नंबर सिस्टम हो गए, चार। हमारे पास टोटल चार नंबर है, ठीक है। कौन से चार टाइप है, डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल। और चारों के मैंने क्या क्या इसकी जो वो बेस के, वो भी मैंने आपको बता दिया। डेसिमल की क्या है, 10 है बेस, और बाइनरी का क्या है, 2 है बेस, ऑक्टल का 8 है, हेक्साडेसिमल का 16 है। तो गाइस, बेस की जो होती है ना नंबर सिस्टम की, जब हम कन्वर्जन करते हैं, जो बेसिक आपको यही आनी चाहिए, ठीक है। बाकी तो मैं आपको समझा दूंगा बिल्कुल अच्छी तरीके से। तो गाइस, अब बात यह आती है कि हमारे पास टाइप कितने, चार टाइप है, और कन्वर्जन कितने टाइप की बन सकती है। तो गाइस, बन सकती है 12 टाइप की, टोटल 12 कन्वर्जन बनेंगे नंबर सिस्टम के। गाइस, कैसे कैसे, डेसिमल टू बाइनरी बनेगा, डेसिमल टू ऑक्टल बनेगा, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल बनेगा, तीन ये हो गए। देन बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी टू ऑक्टल, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, ठीक है, 6 बन गए। अब ऑक्टल टू डेसिमल, ऑक्टल टू बाइनरी, ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल, 9 बन गए। लास्ट में आता है हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल। तो गाइस, ये टोटल 12 बन गए हमारे कन्वर्जन। ठीक है, इसे 12 पॉसिबल कन्वर्जन है हमारे फोर टाइप्स के अंदर। ठीक है गाइस, अब मैं इसको क्या करूँगा, वन बाय वन आपको सारे के सारे सिखाऊंगा। ठीक है गाइस, लेकिन लास्ट में मैंने एक और ऐसी वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर 12 के 12 सिखाऊंगा एक ही वीडियो के अंदर।
तो गाइज अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और हाँ बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करना, क्योंकि मेरी आने वाली मज़ीद जो जानकारी आप लोगों को मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।